और जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, जिसने अदलिया को बेबस और कमज़ोर किया और उस पर बेशुमार हमला हुआ है इस आइन में, इस आइनी तरमीम में। लिहाजा हम वकला इस आइनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं ये आइनी तरमीम जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो है। दूसरी बात, ये आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। ये आइनी तरमीम हो नहीं सकती, क्योंकि आइनी तरमीम के लिए ज़रूरी है कि आइन के बुनियादी मकासद और बुनियादी फीचर्स और बुनियादी ढांचे के मुताबिक हो। ये आइनी तरमीम बिल्कुल उसके बरक्स है। ये कम से कम दो बुनियादी जो ढांचे के और फीचर्स हैं, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके बरक्स है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की जजमेंट मौजूद है कि ऐसी तरमीम जो है वो गैर आइनी समझी जाएगी और वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकती, और इनके पास इख्तियार है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो इसलिए हम वकला आइन के सिपाही होते हुए हम पर फ़र्ज है कि हम आइन का तहफ़ुज़ करें, हम उसके तहत अदलिया का तहफ़ुज़ करें। और लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब में एक कंसेंसस है कि हम इंशाल्लाह ताला मुल्क गीर तहरीक चलाएंगे वकला की, ताकि ये बदनुमा धब्बा जो आइन पर कल और आज लगाया गया है और इसके तहत जो हमला किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका पास करने का तरीक़ाकार भी गैर आइनी था। आप जानते हैं कि यहाँ पर नंबर पूरे किए गए हैं, नंबर पूरे किए गए हैं, किसी को अगवा करके, किसी को पर जबर करके, किसी को उठा के हमारे सामने सेनेट, मेरे सामने सेनेट में दो लोग एक बेचारे को उठा के कराची से कहीं व्हीलचेयर पे लेके आए हैं, एक खातून को इसी तरह सख्ती करके ले आए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये वोट काउंट ही नहीं हो सकते थे। अगर वो वोट निकाल दिए जाएं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से दिए गए हैं, तो फिर ये आइन का नंबर पूरा नहीं होता। इसी तरह नेशनल असेंबली में पीटीआई के 5 अरकान को, जिनको कई दिन से गायब किया हुआ था, कहीं छुपा के रखा हुआ था, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा था, उनको कल लाया गया और उनके 5 वोटों से कहीं जाके एक नंबर से इनका नंबर पूरा हुआ। इसलिए अगर वो 5 भी काउंट नहीं हो सकते, इसी तरह सेनेट में जो 2 बीएनपी के जो मेंबर हैं, जिसको अख्तर मैगल साहब ने ये कहा था कि ये वोट नहीं देंगे, वो भी आइन के बरखिलाफ़ हुआ है। और इसमें बहुत अफसोसनाक बात ये है कि इसमें काजी साहब का, मौजूदा चीफ जस्टिस का एक बहुत अफसोसनाक किरदार है। इन्होंने बेवक्त एक रिव्यू पेटिशन जो कि 2 साल पेंडिंग थी 63A के बारे में, उसको लगा के हॉर्स ट्रेडिंग का रस्सा खोला, ताकि इनको इजाज़त दी जाए कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें और अपने नंबर पूरे करें। ये जजमेंट जो है हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता, और हम इंशाल्लाह ताला इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। और दूसरी बात ये है कि हम किसी सूरत भी आइन पर और अदलिया पर ये हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये भी अपील करेंगे आप सारे वकला से, 25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, क्योंकि
आइन पर सबसे बड़ा हमला और अदलिया पर सबसे बड़ा हमला सारी तारीख में जो हुआ है वो इनकी सदारत में और इनके शमूलियत से हुआ है। अगर ये रस्ते ना दिखाते उनको तो ये नहीं हो सकता था। लिहाजा मैं यौम निजात के लिए सारे पाकिस्तान में वकला से हम सब मिलके हमारा कंसेंसस है अपील करेंगे। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे दोस्त ऐड करेंगे, कि हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं ये तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी LFO के अगेंस्ट, और जिस तरह चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो इकदाम हुए थे 2007 में उसके ख़िलाफ़, इसी तरह आज फिर ऐसा मामला है जिसमें आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। हम एक एक्शन कमेटी बनाएंगे जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सारे सदूर होंगे, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदूर होंगे, जिसमें और बार काउंसिल सारी बार काउंसिल्स के नुमाइंदे होंगे सूबाई बार काउंसिल्स के, जिसमें एक्टिविस्ट होंगे जो पहले ऑफिस होल्डर रहे हैं, और हम फाइनलाइज जल्द करके इंशाल्लाह उनकी मीटिंग कॉल करके एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है, और इसमें हमने ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़, सिविल सोसाइटी और भी जो लोग एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज बहुत लोगों ने इसको कंडेम किया है वकला के अलावा, लेकिन चूंकि हरावल दस्ता वकला है, क्योंकि आइन का तहफ़ करना हमारा पहला फ़र्ज़ है, अदलिया को तहफ़ देना हमारा पहला फ़र्ज़ है, लेकिन हम साथ साथ उम्मीद करेंगे कि हमारी अदलिया भी, अगर वो इस वक्त आइन के लिए अपनी हिफाजत के लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़े होंगे तो उनके नताइज सबसे ज़्यादा इन्हें भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 25 तारीख को इस शख्स के जाने के बाद कोई इंशाल्लाह ताला अदलिया अपने तहफ़ के लिए काम करेगी। एक बात और आखिर में करूंगा कि हम सब वकला बिलीव करते हैं सीनियोरिटी प्रिंसिपल पर। हम नहीं मानेंगे अगर किसी और को जो सीनियोरिटी पर पूरा नहीं उतरता अगर चीफ जस्टिस बनाया गया। 26 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह, जो कि सबसे सीनियर जज है, उसको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मानेगी। हम किसी और को नहीं जो आउट ऑफ टर्न जिसको चीफ जस्टिस लगाया गया। इस पर हमारा पहले भी जब सजाद अली शाह को बनाया गया था 700 जान साहब को इग्नोर करके, तब से हमने तब भी मूवमेंट चलाई थी और हम कामयाब हुए थे, और सन 1998 में असद अली केस में जजमेंट हासिल की थी जिसमें कहा था ये हर सूरत आइन के लिए, आइन के तहफ़ के लिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए।